के बाहर हंगामे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, अखिलेश यादव ने कहा। प्रेस की आजादी को रोकना गलत है। कल मीडिया कर्मियों के साथ भी माशू ने जिस तरीके से धक्का मुक्की वहां पर की और कवरेज करने से रोका गया, इसी को लेकर अखिलेश यादव का रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि प्रेस की आजादी को छीनना, रोकना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कल सदन के बाहर हंगामे पर अखिलेश यादव ने ये बात कही है, ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं। कल सदन के बाहर हंगामे पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और साथ ही साथ प्रेस की आजादी को रोकने का काम किया गया जो कि गलत है। अखिलेश यादव ने कहा, सुनवाते हैं, चलिए। बड़ा दुखद है कल जो घटना पत्रकार साथियों के साथ हुई है। ये विधानसभा में ये परंपरा रही है कि पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े जितने लोग हैं समय समय पर लॉबी में मिलते थे और जब कभी भी आंदोलन या विपक्ष को अपनी बात कहनी होती थी तो चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर खड़े होकर के अपनी बात कह करके सदन में आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या, संविधान की धज्जियाँ और जो प्रेस की आज़ादी है उस पर भी अंकुश लगा रही है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, इसी से शुरुआत करते हैं। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम योगी और सदन में दिवंगत सदस्यों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कुछ ही देर के बाद तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल आपने देखा राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज हुआ। आज दूसरा दिन और सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, ये जानकारी है। और सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज का दिन इसी के नाम रहेगा। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। कल यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और उससे पहले आज का दिन ये कहा जा रहा है कि जो दिवंगत विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। सीएम योगी पहुंच चुके हैं कार्यवाही में शामिल होने के लिए। सीएम योगी यहां पर पहुंचे, तस्वीरें उनकी जब पहुंचे तो उसी वक्त की सामने आई, आपके सामने है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए सीएम योगी विधान भवन पहुंच चुके हैं। आज दूसरा दिन है बजट सत्र का। कल किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया था वो हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से विधानसभा के बाहर और फिर विधानसभा के भीतर भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी की अलग अलग मसलों को लेकर और राज्यपाल को बैक के नारे लगाए वो आपने सुना। और आज दूसरा दिन है, सीएम योगी कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे एक्सक्लूसिव। और आज का दूसरा दिन बजट सत्र का दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के नाम होगा। आज श्रद्धांजलि विधायकों को सदस्यों को दी जाएगी। सीएम योगी पहुंच चुके हैं कार्यवाही में शामिल होने के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लगातार हाउस पहुंच रहे हैं, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बजट सत्र का ये बवाल ट्रेलर कल आपने देखा और कल ही से आपने अंदाजा ये लगा लिया होगा कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इस बार बजट सत्र में शामिल हो रहा है। जैसे कि रणनीति पहले ही बनाई गई थी, सरकार को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरना है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कानपुर देहात का कांड हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, हर एक मामले पर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ कल हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर पहले हंगामा और उसके बाद फिर भीतर हंगामे की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और आज जो दिवंगत विधायक है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, आज दूसरा दिन है। अब चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, सीएम योगी की तस्वीरें आ रही है विधान भवन, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, सुनिए। दुखद है मान्यवर, हम सब जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जन सेवक का जो जीवन होता है अत्यंत संघर्षमय होता है और यही कारण है कि उसे पक पक पर अग्नि परीक्षा देनी होती है। बहुत सारे लोग जिनके पास विजन है, प्रतिभावी है, वे राजनीति में आने में, सार्वजनिक जीवन में आने में संकोच करते हैं।
श्री राहुल प्रकाश कौल एक युवा राजनीतिज्ञ थे। अल्प आयु में ही दो बार इस सम्मानित सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका समय अवसान हम सब के लिए अत्यंत दुखद है। श्री कौल छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। 2017 में तथा 2022 में लगातार दो बार इस सम्मानित सदन के मान्य सदस्य थे। वे अत्यंत विनम्र, व्यवहार कुशल और एक समर्पित जन नेता थे। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण जनपद के विकास के लिए गरीबों, वंचितों और उस वनवासी क्षेत्र के विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण वे अपने क्षेत्र में अत्यंत ही लोकप्रिय जननेता के रूप में उभर रहे थे। श्री राहुल प्रकाश कौल के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता और कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है। उनका निधन समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे। महोदय, इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व मान्य सदस्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी समेत हमारे अन्य मान्य सदस्य हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्रदेश को और देश को उपलब्ध करवाई। उनका निधन 8 जनवरी 2023 को 88 वर्ष की अवस्था में हुआ है। उनका निधन हम सब के लिए एक दुखद सूचना है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मृदुभाषी, एक जनप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत एक अधिवक्ता के रूप में की थी। वे कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ विधि एवं संविधान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ तथा संसदीय प्रक्रियाओं के मर्मज्ञ के रूप में भी जाने जाते थे। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दीर्घ अनुभव था। इस सम्मानित सदन के वे 6 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे। सर्वप्रथम 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर जोशी वर्तमान प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात 1989, 1991,
1993 1996 ता 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रयागराज से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी श्री रामनरेश यादव जी मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय ज्ञान, सर्वग्राह्यता और न्यायप्रियता के कारण ही वे विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1991 1997 तथा 2002 में 3 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस सदन की गरिमापूर्ण संचालन में यहाँ पर सफलतापूर्वक उसका संचालन किया और अध्यक्ष पीठ से अपने महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए। श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। इसके साथ ही उन्हें बिहार, मेघालय तथा मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ वे एक प्रतिष्ठित विधिवेता भी थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और वहां की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा द्वारा गठित विधायिका न्यायपालिका सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने संबंधी समिति के वे मान्य सदस्य भी रहे। राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयों के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास तथा उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक काव्य संग्रहों तथा दोहा संग्रहों की रचना की। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु उन्हें हिंदी गरिमा सम्मान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, साहित्य वाचस्पति बागीश्वरी, काव्य कौस्तुभ सम्मान सहित अनेक सम्मानों से भी विभूषित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अनेक शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, विधायी व संसदीय संस्थाओं से प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संबद्ध रहे। श्री केशवनाथ त्रिपाठी को न्याय, संवैधानिक विषयों सहित साहित्य, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में की गई उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए चाणक्य, भारत गौरव, उत्तर प्रदेश रत्न तथा विकास पुरुष आदि तमाम उपाधियों से सम्मानित किया गया। श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं इस सम्मानित सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के जो हमारे पूर्व मान्य सदस्य श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी समेत 15 पूर्व मान्य सदस्यों जिनके मैं नाम का उल्लेख कर रहा हूं, श्री रामचरण त्रिपाठी जी कौशाम्बी से, श्री अमरनाथ यादव जी वाराणसी से, श्री जगन्नाथ सिंह परमार बांदा से, श्री त्रिलोकी राम जी अलीगढ़ से, श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी अयोध्या से, श्री ब्रजपाल सिंह जी संबल से, श्री विजय बहादुर पाल जी कन्नौज से, श्री सत्यप्रकाश जी संबल से, श्री विक्रमाजीत मौर्य जी प्रयागराज से, श्री सुंदरलाल दीक्षित जी बाराबंकी से, श्री जसवीर सिंह जी कासगंज से, श्री संजीव राजा जी अलीगढ़, श्री बनवारी लाल दोहरे जी कन्नौज, श्री रामस्वरूप सिंह जी कानपुर देहात। इन सभी इस सदन के पूर्व मान्य सदस्यों के दिवंगत होने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, सामान्य सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे
विनम्र निवेदन करता हूं कि सदन की ये संवेदना सभी संबंधित परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नेता सदन ने जो सिटिंग विधायक के ना रहने पर अपनी बात रखी है, उन्हीं से जोड़ता हुआ मैं भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के युवा सदस्य श्री राल प्रकाश कोल का 2 फरवरी 2023 को लगभग 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत कम आयु में उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री राहुल प्रकाश कोल 96 विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सबसे युवा विधायक के रूप में वर्ष 2017 में पहली बार चुने गए थे और वर्ष 2022 में वे पुनः दूसरी बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राहुल प्रकाश कोल की छवि एक सरल व्यक्ति के रूप में रही है। एक युवा विधायक होने के साथ साथ वे अपने क्षेत्र की जनता में बड़े लोकप्रिय थे। वे जिस समाज से आते थे उस समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। गरीब मजदूर और वंचितों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यद्यपि जिस दल से कोल निर्वाचित हुए थे वे सत्ताधारी दल के सहयोगी दल हैं, परंतु उन्होंने समाज के एक विशेष वर्ग के मध्य अपनी छवि बनाई थी और उनके मध्य वे लोकप्रिय थे। समाज के वंचित वर्गों के मध्य से जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आते हैं उनका योगदान उल्लेखनीय रहता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ऐसे राजनीतिक महानुभाव का सफल होना आवश्यक है। अतः श्री कोल के निधन से सदन को तथा प्रतिपक्ष की राजनीति को विशेष क्षति पहुंची है। श्री राहुल प्रकाश कोल के निधन पर मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति को कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दूसरे इसी सदन के कई बार रहे अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी बोलने का मौका दे रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुख का विषय कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का नाम ऐसे राजनीतिज्ञों में लिया जाता है जो राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे। एक अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि तथा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी ख्याति थी। वर्ष 1977 से वर्ष 2007 तक वे 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे तथा 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन का संचालन उन्होंने बड़ी कुशलता से किया। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इसके साथ साथ उन्हें मेघालय, मिजोरम तथा बिहार के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी कानून और संवैधानिक विषयों के जानकार थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ साथ साहित्य में वे उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और साहित्य के क्षेत्र में उनको अनेक पुरस्कार भी मिले। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ और बड़ी संख्या में जो हमारे सदस्य विधानसभा के सदस्य रहे, जिसमें श्री रामचंद्र त्रिपाठी जी, श्री अमरनाथ यादव वाराणसी से, श्री जगन्नाथ सिंह परमार बांदा से, श्री त्रोकी राम अलीगढ़, श्री मथुरा प्रसाद तिवारी अयोध्या, विजेंद्र पाल सिंह जी संभल, श्री विजय बहादुर पाल कन्नौज, सत्य प्रकाश संभल,
विक्रमजीत मौर्य प्रयागराज, सुंदरलाल दीक्षित बाराबंकी, जयवीर सिंह कासगंज, संजीव राजा अलीगढ़, बनवारी लाल दोहरे कन्नौज, श्री राम स्वरूप सिंह जी, मैं इनके प्रति भी अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से और विपक्ष के जितने भी दलीय नेता उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।